आज के वर्कशॉप के बारे में थोड़ा ब्रीफ। हम लोग सेंट्रली झारखंड समन्वय समिति के बैनर तले यहाँ रांची स्थित नामकुम बगीचा सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला चल रहा है, लीडरशिप वर्कशॉप। और ये लीडरशिप झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में शुरू हुई और कल इसका शुभारंभ हुआ है। कल का एजेंडा पे हम लोग फोकस किए भाषा पे कि जिस खतियानी आंदोलन का शुरुआत का पृष्ठभूमि कोयलांचल धनबाद बोकारो से शुरू होता है और भोजपुरी भाषा के विरोध, मगही भाषा का विरोध, उसमें निष्कर्ष में हम लोगों ने चिंतन मंथन में पाया कि हमारी नौजवानों की आवाज़, नौजवानों की जो ताकत से जो कोयलांचल में आंदोलन उठी उसका अंततगत वहाँ परिणाम सामने आया कि खतियानी लड़ाई भाषा की लड़ाई में हमारी पहली पड़ाव की जीत हुई है और सरकार को बाध्य होके ये उनको रद्द करना पड़ा। लेकिन आंशिक सफलता हम लोगों को मिली है कि भोजपुरी भाषा को रद्द करना पड़ा और मगही भाषा को, ये आंशिक सफलता हमारी हुई। अभी भी पूर्ण रूप से जो अतिक्रमण भाषा है उसको हटाने में या खतियानी आधार पर जो स्थानीय नीति निर्धारित करना है उस लड़ाई जारी है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया, सरकार की नियत, सरकार की नीति स्पष्ट कर दिया है कि 1932 के आधार पर ना तो कोई नियोजन नीति बनाने चाह रहे हैं या खतियान के आधार पर। हम लोगों ने इस पर परिचर्चा किए, दिन भर कल किए। पहला तो ये हुई है कि भाषा शास्त्रियों ने कल योगदान दिए रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत या श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय या कोल्हान विश्वविद्यालय के जो लोग भी हैं, 9 भाषा के विद्वान भाषा शास्त्री कल उपस्थित हुए, उनका चिंतन मंथन हुआ। कल एक चीज उपलब्धि हुई है रूप में सूर सिंह बेसरा मई हुए और 9 भाषा विभाग के शिक्षाविदों को संयोजक मंडली में रखा गया है और आगामी 28 जून को जो जनजातीय एवं भाषा विभाग में एक दिवसीय वहाँ सेमिनार होगी और ये कोशिश हो रहा है कि केजी टू पीजी झारखंडी भाषा की रूपरेखा तैयार होगा, सिलेबस कैसे होगा, ये बड़ी कल की चिंतन मंथन में फैसला हुआ। और साथ साथ कल ये स्थानीय खतियान के आधार पर जो आंदोलन की बात हुई है इसमें हम लोग काफ़ी निष्कर्ष में आ गए हैं कि जो 1932 का नाम चला है, स्लोगन चला है, 1932 का कोई जर्सी बना के, कोई पीठ में छाती में लिख के, कोई हेयर स्टाइल में भी लिखना शुरू किया, इवन शादी के कार्ड में, विवाह शादी का कार्ड में भी 1932 का छपना शुरू कर दिया। उसमें हम लोगों ने कहा सचमुच में जो 1911 से लेके कहीं गिरिडीह में, कहीं बोकाइए में, हजारीबाग में 1911 में शुरू होता है और कहीं 1932 में अंतिम सर्वे सेटलमेंट होता है, हमारे सिंहभूम में 64 में फाइनल हुआ है, क्योंकि एक सिंहभूम को 3 जिला हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और खरसवां सरायकेला जिला। अगर हम 32 का बात करते हैं तो हमारे पूरे कोल्हान प्रमंडल 32 आंदोलन में शरीक नहीं दिखते हैं, कहें वहाँ का 32 का खतिया नहीं नहीं, उसके बाद अलग अलग जिलों में। तो हम लोगों ने विशेषज्ञों से राय लिया, अधिवक्ताओं से, हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुभवी लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे बातों को हम लोग निष्कर्ष करें। तो कल मोटा मोटी सहमति आ गया है कि अब हम लोग 32 का खतियान पे जोर नहीं देके हम लोग कहेंगे खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय हो, उसके लिए आज कमेटी बनेगी। आज सर ये भी अर्थ हुआ जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में इसी बात को कहा था कि अगर हम 1932 इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, यानी आप उस पर हामी भरते हैं 1932 का रट लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट हुआ उसकी आवाज़ बुलंद करने की जरूरत है, ना कि 1932 की जिद करनी होगी। नहीं, हम लोग उनके आवाज़ पे, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हामी नहीं भर रहे हैं, हम उनके उनके एटीट्यूड पे, उनकी सोच पे,
हम लोग सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी जो मॉडल बनेगा वो हमने कहा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1932 एक कट ऑफ ईयर नहीं होना चाहिए कि 1932 ही पूरे झारखंड में लागू, क्योंकि वो हमारे खतियानी लोगों में मतभेद है, व्यवहारिक बात है, जो तथ्यों के आधार पर जो तर्क दे रहे हैं हम लोग कि सभी जिला 1932 के दायरे में नहीं आ पाते हैं। हमने कहा कि कहीं 1911 है, कहीं 1932 है, कहीं 1964 है, उसके बाद में भी है, तो हम लोग खतियान को आधार मानेंगे। तो ये किस तरह होगा, तो ये मॉडलिटी बनेगा, तो आज इनकी कमेटी बनेगी। क्या बनेगी कि स्थानीय नीति की प्रारूप समिति बनेगी, उसका क्या स्वरूप होगा कमेटी, चिंतन मंथन जारी है, वो बनाएंगे। तो कल का चिंतन मंथन में दो ही चीज़ आया है कि एक आया है कि भाषा साहित्य एकेडमी, झारखंड साहित्य एकेडमी बन गया और उसका कमेटी बन गई है और उसका सेमिनार का भी तिथि निर्धारण हो गया। हमने कहा कि 28 जून को जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में तय हो चुका है, रांची में होगी। एक तो हो गया भाषा पे, नौ भाषा का कैसे KG to PG बनेगा सिलेबस रूपरेखा, और खतियान के आधार पर वो 32-64 नहीं करके हम लोग एक कॉमन बात को ढूंढ के निकाला, निष्कर्ष पे आया कि खतियान आधार होगा, उसके साथ और नागालैंड का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, आंध्र प्रदेश का, जो अलग अलग राज्यों की बात। तो अभी आज जो जारी है 2024 में विकल्प की राजनीति क्या होगी, ये चर्चाएं जारी है। तो अभी तक इतना ही है, बाकी बातें मैडम। पिछले दिनों मैं आपसे भी बात कर रही थी, कर्मा उराव जी ने कहा कि ये जो हम लोग आंदोलनकारी कहते हैं कि हम विकल्प की राजनीति देंगे, थर्ड फ्रंट आप लोग भी कहते हैं, उन्होंने कहा ये इम्प्रैक्टिकल बात है, क्या इससे सहमत हैं? हमको लगता है कि अभी भी नाना मुनि नाना मत जो है, और ची उसके बाद बोला है नाना, मैंने क्या बोलते हैं कि बहुत सारे मुनि जो होगा तो मठ उजड़ जाता है, क्या बोलते हैं डायलॉग है कुछ, है ना, कह रहे हैं कि हम झारखंड में जो घिसा पिटा वही ढाक के वही तीन पात थली के चट्टे बट्टे, बीजेपी सत्ता में आया कभी अकेले आए, अब कभी JMM अकेले आए, कभी कांग्रेस के मिली जुली, कभी बीजेपी JMM मिली जुली, मैंने एक ही ढाक के तीन पात हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कौन पक्ष और कौन विपक्ष ये बिल्कुल पता नहीं चला। हम लोग जो विकल्प की राजनीति के बारे चिंतन मंथन कर रहे हैं, इसमें टोटली मॉडलिटी चेंज करने की बात, अभी अभी जो बात आई निष्कर्ष में आ रही है, सहमति मोटा मोटी बन गया है कि 2024 में क्यों ना एक नया मॉडल किया जाए कि हम लोगों को जो है ग्राम सभा जो है पेशा कानून के तहत हम ग्राम गणराज का स्थापना करें और गांव की सरकार बनाएं, क्योंकि अभी तक गांव सरकार को एक कोड़ी नहीं आया, और हम लोगों ने अभी बजट पे बात किया कि 1,00,000 करोड़ का बजट सालाना झारखंड सरकार की है और 32,000 गांव हैं झारखंड में, अगर एक रेवेन्यू गांव को अगर हम लोग 1,00,000 रुपया अगर बांटेंगे एक गाँव में जाएगा तो सालाना 3 करोड़ रुपया एक गाँव को आ रहा है, तो 3 करोड़ रुपया 1,00,000 करोड़ का स्टेट का बजट का अगर प्रत्येक गांव को रेवेन्यू विलेज को हम लोग देंगे तो उसका कैलकुलेट करके निकाला हम लोगों ने, लड़का लोग निकाला, बहुत माहिर लड़का लोग है, आजकल नेट इंटरनेट में काफ़ी तेज लड़का, इस तेज चैनल को ही आगे हम लोग आने वाला दिन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2024 में, इन लोगों ने निकाला लगभग 3 करोड़ एक गाँव में बजट आएगा, तो एक गाँव में अगर 3 करोड़ रुपया जाएगा तो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने चर्चा में लाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, तो जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं विकास का ये इसेंशियल है, अति आवश्यक है, विकास का ये 5 पायदान है जो इसेंशियल आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, ये 5 मुद्दों को लेके गांव का स्वरूप बदल सकता है, तस्वीर बदल सकता है, और 5 साल में 15 करोड़ रुपया अगर गांव में आता है तो 5 को बेरोजगारी दूर होगी, स्वरोजगार मिलेंगे, एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए और हॉस्पिटल, एजुकेशन, बिजली फ्री हो जाएगा, तो ये तमाम मॉडल, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं केवल एक घिसा पीटा मुद्दा वही डरना पे राजनीति झारखंड में नहीं होना चाहिए। घिसा पीटा JMM को बोलना चाह रहे हैं, JMM है, BJP है, सब मिली जुली है, इन लोग सब मिली भगत है, मैंने अभी तक जो है प्रोजेक्ट जो बनना चाहिए, जो ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, आज तक नहीं बनाया, जैसे हम लोगों ने बोला कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में ये बन गया मॉडल,
ग्राम सभा का पैसा कानून का मॉडल तैयार करके पास हो गया, एक्ट बन गया, झारखंड में बना नहीं। तो अब इसके लिए भी कमेटी बनेगी कि पैसा कानून का मॉडलिटी क्या बनेगा, स्थानीय नीति का कमेटी बनेगा, नियोजन नीति का कमेटी बनेगा, ये तमाम चीज का नया मॉडल आने वाला है। भाषा नीति क्या बनेगा, विस्थापन नीति क्या बने, ये बनाई नहीं है। तो हम लोग अभी एक प्रस्ताव आ रहा है कि झारखंड एडवाइजरी काउंसिल भी बनाएंगे, जितने रिटायर जज है, रिटायर आईएएस आईपीएस विद्वान, उनका दिमाग को, उनका ब्रेन को है, उनको हम लोग इस्तेमाल मतलब इसमें लगाएंगे। बहुत सारे आईएएस आईपीएस हमारे लोग हैं, वो उसमें लाएंगे एडवाइजरी के रूप में। झारखंड सरकार का टीएससी बना, एक कामगार नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, केवल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से नहीं चलेगा, आदिवासी मूलवासी माइनॉरिटी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, ये जो चार समुदाय बेसिस है, इसके बीच में मतभेद पैदा करने का कोशिश कर रहा है। खासकर बीजेपी तो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करता है, हम लोग चाहते हैं सेकुलर कॉन्सेप्ट बने। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, ये लोकतंत्र का चारों खंभा, ये मजबूत करना पड़ेगा, भेदभाव ना आ जाए। तो इसके लिए हम लोग नया स्वरूप बनाने चाह रहे हैं। ड्राफ्टिंग लेवल पर बहुत कुछ काम करने वाले हैं एकदम, मगर चूंकि जैसे आपने सुना होगा कोयलांचल में जैसा जयराम महतो और देवेंद्र महतो और इमाम सर के तो किस तरह से आंदोलन किया, उसका किस तरह से फलाफल भी नहीं था, क्या सड़क पर उतर कर काम करने की जरूरत है? अभी हम लोग देख रहे हैं सड़क पे उतर गया, मैसेज भी चला गया, और जैसे आपने कहा एक व्यक्ति का नाम है, किसी भी एक व्यक्ति को फोकस करने का हम लोगों की नहीं है विचार आया है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट होगा सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व। मैंने झारखंड का जो है ना, जैसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा का एक तो बहुत बड़ा चीज है, एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी, यानी हमारी सामूहिकता पर आधारित झारखंडी जीवन से ही है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी ग्राम सभा गांव में रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहे, कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी हम लोग एक व्यक्ति नेता नेतृत्व करेगा, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। ये विचार मंथन में आया, अभी लड़का लोग नौजवान लोग आया है कि वो आगे निकल गया, वो कोई आदमी भाषण देता होगा, कोई आदमी तेज तर्रार होगा, लेकिन उसको तरजीह नहीं देना है। सामूहिक रूप में जो चिंतन होगा, हम लोग एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे। क्या सर फिर यही वजह है कि तमाम जो आंदोलनकारी है एक मंच पर नहीं आ रहे? खासकर जयराम की बात हम कर सकते, जयराम जो सुर्खियों में है और लोगों में मास में कहीं कहीं पकड़ नजर आती है उनकी जाहिरी तौर पर, तो अगर एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते तो क्या ये बताने की कोशिश है कि उनका एक्सेप्टेंस नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहना है कि जयराम महतो सरीखे और भी ऐसे नौजवान हैं हमारे यहाँ पे, ये देव कुमार धान जी हैं, यहाँ हमारे इमाम सफी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आया है, हमारे जिला से लोग हैं। हमारा कहना है कि इस तमाम आंदोलन में, यानी हमारी जो वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे सोच, यहाँ एक व्यक्ति को फोकस करके, एक आदमी को चैंपियन करके ये काम पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ पे आदिवासी है, मूलवासी है, कुड़मी समाज है, तो संथाल समाज में लाना है, मुंडा समाज में लाना है, उरांव समाज से लाना है, हो समाज से लाना है, दलित समाज से लाना है, और हमारा बैनर भी सेंट्रली बन गया, झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति। दूसरी बात है, हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कल अंतिम रूप में, कि हमारा टारगेट ये है कि मान लीजिए एक गाँव में अगर एवरेज 10 लड़का और 10 लड़की को हम मेंबर बनाते हैं, सक्रिय मेंबर, तो 32,000 गांव का हमारा आंकड़ा करीब करीब हमारा 6,00,000 हमारा मेंबर बन जा रहा है। तो हमारा कोर्स का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम 100 रुपया का शुल्क लिया जाएगा महीना में, तो पर महीना अगर एक मेंबर 100 रुपया देते हैं और 6,00,000 मेंबर बनाते हैं, तो जब तक केडर बेस्ड संगठन नहीं बनेगा कोई आंदोलन टिकेगा नहीं। और एक व्यक्ति जहां बन जाता है, कोई भी आदमी हो, हम लोग कहना है जो भी आज जरूरत नौजवान को सामने लाना है, और नौजवान को सबको लेके चलना होगा। अनुभव भी हमारे मंत्री महोदया है, मैं अनुभव भी हूँ झारखंड राज्य निर्माण में, ऐसे और भी विद्वान है, हम लोग चाहते हैं नया नौजवान के को उनको आगे बढ़ाना होगा, नया टीम तैयार करना होगा, और उसमें अगर ये सामूहिक भावना को लेके ना चलेगा, वैचारिक समन्वय स्थापित नहीं होगा हमारे बीच में, तो ये तो नहीं टिकेगा। इसीलिए सामूहिकता को हम लोग जोर